डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चंस के एक नए टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। साथ ही पांच टॉपिक्स, पांच सब्जेक्ट्स वाले जो एपिसोड्स आ रहे थे वो भी बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे। कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे प्रैक्टिस सेट्स के बुक के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्हें हम बता दें कि अभी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट के बुक्स का अभाव है। चूँकि एग्ज़ाम में भी देरी है तो इस कारण पब्लिशर्स भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द अच्छा प्रैक्टिस सेट्स का बुक भी मार्केट में दिखाई देगा। हमारे हिसाब से अरिहंत इस क्षेत्र में एक अच्छा पब्लिशर है जिसमें बीपीएससी के अच्छे प्रैक्टिस सेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ही मार्केट में कुछ अच्छे बुक्स आएंगे प्रैक्टिस सेट्स के, हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की जरूरत पड़ती है? ए बी सी डी या फिर लीस्ट प्लोइंग, जो उलट पुलट हम लोग करते हैं, जो खेतों में किसान करते हैं, ये प्लोइंग जोतना सबसे कम कहां करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी। चूंकि काली मिट्टी पर पानी पड़ते ही ये चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब ये सूखती है तो कड़ी होकर इसमें दरारें आ जाती हैं, और बाद में जब फिर यहां बारिश होती है तो प्राकृतिक रूप से ऊपर की मिट्टियां दरारों में खुद ब खुद चली जाती हैं। तो इस तरह से खेतों का उलटना पलटना प्राकृतिक रूप से हो जाता है। तो यहां लिस्ट ब्लोइंग, ब्लैक सॉइल। दूसरा प्रश्न, आकार के आधार पर साइज वाइज भारत के निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? टॉप टू बॉटम, सबसे बड़े राज्यों में और सबसे छोटे राज्यों का क्रम यहां पर जो दिया हुआ है उसे आपको करना है, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2, 3, 1, 4। वैसे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, लेकिन वो यहां चॉइस में नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र उसके बाद बड़े राज्य हैं। आज का तीसरा प्रश्न, बॉक्साइट उत्पादन में, प्रोडक्शन में फर्स्ट टॉप मोस्ट राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। चौथा प्रश्न बॉक्साइट के बाद, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटन वुड्स की जुड़वा संतान यानी ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहते हैं? सोच ले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। दरअसल 1944 में विश्व के 44 देश इकट्ठा हुए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें विश्व की करेंसी को स्थिरता प्रदान करना एक बड़ा मुद्दा था। इसी के तहत 1944 की बैठक के बाद 1945 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अपने फंक्शन में आया। पांचवा, इत्र की शीशी का ढक्कन खोलते ही इसकी खुशबू का कमरे में फैल जाना किस कारण से होता है? वैज्ञानिक कारण क्या होता है? सेंट का स्प्रेड जो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण यानी डिफ्यूजन। दरअसल हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं और इस मिक्सिंग को ही दरअसल डिफ्यूजन कहते हैं। छठा प्रश्न, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम यानी कोड ऑफ कंडक्ट किस ग्रंथ में मिलते हैं? कहां बताया गया कि भिक्षुओं को किस तरह से रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विनय पिटक। दरअसल सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में कोड ऑफ कंडक्ट है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के फिलॉसफी यानी बौद्ध दर्शन है। सातवा प्रश्न, 1876 में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगने के पीछे कौन सा कारण था? पिंक सिटी 1876 में इस रंग में सबसे पहली बार रंगी और यह परंपरा फिर आगे भी चलती रही, इसके पीछे कारण क्या था? ए बी सी डी या फिर ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन। दरअसल 1876 में जब जयपुर पहुंचे प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने, तो उनके सम्मान में राजा संग्राम सिंह ने यह आदेश दिया था कि सभी शहर के घरों को गुलाबी रंग से रंग दिया जाए। आठवां प्रश्न, सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन चलाया गया, यह किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 1991 में दरअसल ये रिवोल्यूशन चलाया गया, सरकारी प्रयास हुए ताकि इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। नवा प्रश्न, एक तेज रफ्तार ट्रेन जब स्टेशन को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े लड़के पर इसका क्या असर पड़ सकता है?
ए बी सी डी या फिर ई। बढ़िया से आप सोच लें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रेन की ओर गिर पड़ेगा, क्योंकि तेज रफ्तार से जब ट्रेन चलती है तो आसपास की हवाएं उस ट्रेन के साथ आगे निकल जाती हैं, तो एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ऐसे में अगल बगल की हवा जो दबाव बनाती है तो वो ट्रेन की ओर उस व्यक्ति को आगे गिरा देगी। दसवां प्रश्न, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास का सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? आप जानते हैं कि वैदिक काल में 100 साल का जीवन माना जाता था, 25-25 वर्षों का यह बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जाबालोपनिषद। आपको यहाँ पर इस महत्वपूर्ण पक्ष को जरूर आज ही पढ़ लेना चाहिए। दरअसल सभी वेद के उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें कर्म और ज्ञान की बातें हैं और कर्म कांड का विरोध किया गया है। 108 उपनिषदों की संख्या है कुल, तो ऐसे में दो दो कम से कम चारों वैदिक ग्रंथों के उपनिषदों के नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे ऐत्रेय, तैत्रीय, शतपथ, छांदोग्य, जाबालोपनिषद या वृद्धारण्यक उपनिषद। ऐसे 108 उपनिषद हैं, तो आपको दो दो सभी चारों वैदिक ग्रंथ के याद करना चाहिए, एग्जाम्स में रेगुलर दिखाई देते हैं। आज का 11वां प्रश्न, औपनिवेशिक शासनकाल में यानी ब्रिटिश शासनकाल में किसे इस्पात का चौखट यानी स्टील फ्रेम कहा गया? इंपीरियल रेल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंपीरियल आर्मी, इंडियन पोस्टल सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविल सर्विस। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन में ICS पास आउट इंडियन सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे उनकी ब्रिटिश शासन को चलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज का 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अबरख राजधानी यानी मायका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ध्यान से, मायका कैपिटल ऑफ इंडिया, अबरख राजधानी, मलजखंड, कुरनूल, कोडरमा, जवार, इनमें से कौन? जो इनमें से आंसर डी होगा, कोडरमा, झारखंड। यहां आप जान लें कि मायका का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अच्छी कोटि का, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो मायका है, अबरख है, रूबी मायका कहलाता है, ये झारखंड में होता है। कोडरमा में विशाल भंडार इसके मिलते हैं, इसीलिए इसे अबरख राजधानी कहा जाता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से बातचीत के लिए कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार था? ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन था क्रिप्स मिशन से बातचीत के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। दरअसल 23 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक विकास और सुधारों पर बातचीत करना, लेकिन इसने जितनी भी बातें की सब भविष्य के लिए थी, यानी विश्व युद्ध की समाप्ति पर। ऐसे में महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहकर, पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसे इनकार कर दिया और ये असफल होकर वापस चला गया। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रोटोकॉल यानी वरीयता क्रम, सही वरीयता क्रम क्या है टॉप टू बॉटम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल 2, 1, 3, 4 यानी गवर्नर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज का 15वां प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसका शोध ग्रंथ है यानी रिसर्च थीसिस है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दरअसल 1923 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD कर रहे थे तो उन्होंने इस पर बड़ा महत्वपूर्ण थीसिस दिया था कि भारतीय रुपये को किस तरह से दबाया जा रहा है ब्रिटिश काल में और इसके हायर एक्सचेंज रेट से कैसे इस तरह इसका नुकसान हो रहा है। 16वां प्रश्न, भारतीय लोकसभा का गठन कब हुआ था? फर्स्ट लोकसभा कब अपने अस्तित्व में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 अप्रैल 1952। आप जानते हैं कि पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था, आम चुनाव, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा अपने अस्तित्व में आई थी। आज का 17वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रदूषकों को उनके प्रभावित होने वाले अंगों से मैच करना है, यानी आपको बताना है कि ABCD 1, 2, 3, 4 से कैसे मैच करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3, 4, 1, 2।
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी बी का 4 होगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि धूल कण किडनी और सीसा लेड कैंसर जैसे रोगों का कारण बनता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? याद रखें राष्ट्रकवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, लेकिन दिनकर को भी राष्ट्रकवि की उपाधि मिली हुई है, तो इसमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयद्रथ वध। ये दरअसल मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बाकी 3 रचना जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की है, जिनका जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। 19वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला का है, तो हम कह सकते हैं कि गोपालगंज बिहार का केरला है, जिसमें सेक्स रेशियो 1021 है, यानी यहाँ 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं या लड़कियां हैं। 20वां प्रश्न, मानव के आमाशय यानी के स्टमक में कौन सा एसिड बनता है जो डाइजेशन में सहायक होता है? डाइजेशन सिस्टम में स्टमक में कौन सा एसिड बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हैं कि डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है और सबसे लंबे समय तक डाइजेशन छोटी आंत में होता है। 21वां प्रश्न, 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारतीय वायुसेना का कोड वर्ड क्या था? यह एक बड़ा युद्ध हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण था, और यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने जो अपनी कार्रवाइयां की थी वो एक कोड वर्ड के तहत थी, वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सफेद सागर यानी व्हाइट सी। 22वां प्रश्न, 84वें संशोधन संविधान संशोधन जो 2001 में आया उसके अनुसार किस वर्ष तक विधानसभा लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी? चूंकि ये मांग उठ रही है कि अब सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2024 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लोकसभा में 252 तक सीटें हो सकती हैं, जबकि राज्यसभा में 250। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। यहाँ ये भी आप जान लें कि अभी जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, चूँकि लोकसभा या राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। 23वां प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। यहीं पर गल्फ पाक स्टेट है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर का समय यानी टाइम लंदन के टाइम से मैच करता है? आपको बताना है कि कौन सा टाइम मैच करता है लंदन के टाइम से, इनमें से कौन सा शहर है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्जियर्स। आज का 25वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी किस नदी के किनारे लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी, सोच लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागीरथी नदी। दरअसल नदिया जिले में पलासी एक गांव है जहां पर 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पलासी का युद्ध कहते हैं, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला धोखाधड़ी का शिकार हुआ। उसके अपने सेनापति मीर जाफर ने उसे धोखे से मरवा दिया और इस तरह से पहली बार अंग्रेज़ों का भारत में उनकी शक्ति स्थापित हुई। प्लासी की लड़ाई जो बक्सर के युद्ध में 1764 में कंसोलिडेट हुई। अब करंट के क्वेश्चन यहां से शुरू होंगे। 26वां प्रश्न, नोटा के प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, ये किस चुनाव पर रोक लगाया है, किसकी चुनाव पर? नोटा यानी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में अब नोटा का प्रयोग नहीं होगा, यानी इनमें से कोई भी उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है, इसे ही नोटा कहते हैं जो प्रचलन में है, लेकिन राज्यसभा में अब इस पर रोक लगा दिया गया है। सबसे पहले नोटा का प्रयोग अमेरिका में हुआ था। 27वां प्रश्न, पहला स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान जेट फाइटर
किस देश ने बनाया है जिसका नाम कौसर रखा गया है, फर्स्ट फाइटर जेट? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। आज का 28वां प्रश्न, 11वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 में कहां आयोजित हुआ, अभी एक महीने पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। आज का 29वां प्रश्न, किस पूर्व सेना प्रमुख को यानी एक्स आर्मी चीफ को अमेरिका का सम्मान लीजन ऑफ मेरिट देने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा दलबीर सिंह सुहाग, एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं और इन्हें इनके कार्यों के लिए यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 30वां प्रश्न, मूविंग फॉरवर्ड किसके कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर लिखी गई किताब है? मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अभी कुछ दिनों पहले इसका लोकार्पण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति के रूप में इनके एक साल के कार्यकाल को का ही इस मूविंग फॉरवर्ड मूविंग बुक में पब्लिश किया गया है, जो आपको दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट बुक है, आने वाले एग्जाम में ये दिखाई दे सकता है। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे, आप काउंट कर लें, देख लें कि आपने इसमें सही सही कितना स्कोर किया है, साथ ही अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अगले सेट के साथ, अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, टेक केयर।